लो जी, आ गया वो वक्त जब लोकसभा चुनाव के परिणाम स्वरूप दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में नई सरकार बनने जा रही है। जनादेश ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को अपना पूर्ण समर्थन दिया है, जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में लगातार तीसरी बार उनकी ही सरकार बनेगी। 293 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 बनने जा रहा है। ऐसे में वाराणसी से सांसद नरेंद्र मोदी की टीम में इस बार किस किस को मंत्री पद या फिर मंत्रालय में जगह मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में आपको आज हम बताएंगे कि नरेंद्र मोदी की टीम में वो कुछ मुख्य नाम कौन से हैं जिन्हें मंत्रालय मिलने की खबर है। उससे पहले आप सभी का स्वागत है एचसीएन न्यूज में, मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि 8 जून को भारत में हैट्रिक लगाकर नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। हालांकि शपथ ग्रहण की तारीख जो भी हो, लेकिन सवाल यहां सबसे बड़ा यही है कि इस बार मंत्रिमंडल में वो कौन से बड़े चेहरे होंगे जो भारत सरकार में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। नए मंत्रियों के लिस्ट में आखिर किसका नाम है, इसकी उत्सुकता हर किसी को है। तो बिना झिझक आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अमेठी से हारने वाली स्मृति ईरानी और सुल्तानपुर से मेनका गांधी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया जाएगा, जबकि जीतने वालों में लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, राजस्थान के जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, नागपुर से नितिन गडकरी, गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह और राजस्थान अलवर से भूपेंद्र यादव को नरेंद्र मोदी की टीम में जगह मिल सकती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार एनडीए गठबंधन में अहम भूमिका निभाने वाली जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू है, जिसने 12 सीटों के साथ मोदी सरकार बनाने में समर्थन दिया है। तो वहीं टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी ने 15 सीटों का समर्थन दिया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और उनकी टीम में इनकी भी भागीदारी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट कर इस खबर पर अपनी राय जरूर दें और देखते रहे एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।